आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की दिल्ली में के सीएम आवास में कथित पिटाई के आरोपों की जांच के लिए अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। अब तक जांच को संभाल रही उत्तरी जिले की एडिशनल डीसीपी एसआईटी को हेड करेंगी। उसके अलावा एसआईटी में 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। सिविल लाइन थाने के एसएचओ भी हैं जहां केस दर्ज है और ये एसआईटी समय समय पर जांच की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को देगी। एसआईटी सबसे पहले हर लिंक को जोड़ने की कोशिश करेगी। अभी पुलिस विभव के मोबाइल डेटा को रिकवर करने की कोशिश में है। 2 दिन पहले ही पुलिस ने डीवीआर जब्त किया। इसके जरिए इसकी कोशिश है कि वो सीसीटीवी से अहम सुराग जुटा सके। उधर दिल्ली पुलिस 1 दिन पहले विभव को अरविंद केजरीवाल के आवास पर लेकर पहुंची और पूरे मामले का रिक्रिएशन किया। आज विभव के रिमांड का 3रा दिन है। पुलिस को गुरुवार रात तक विभव को कोर्ट में पेश करना है। आप पर स्वाति के देखिए नए आरोप भी लग रहे हैं कि मेरे खिलाफ ट्रोल आर्मी लगा दी गई है, मुझे ट्रोल किया जा रहा है, पार्टी के लोगों से मेरे वीडियो मांगे जा रहे हैं और ये सारे आरोप लगातार स्वाति लगा रही है। मेरे वीडियो लीक करने की कोशिश भी अब कई नेता, कई आम आदमी पार्टी के लोग करते नजर आ रहे हैं। मेरे रिश्तेदारों की डिटेल भी लीक कर रहे हैं ये लोग, रिश्तेदारों को जान का खतरा भी बता रही है स्वाति मालीवाल। महिला सुरक्षा पर मैं कोई बात करना नहीं चाहता, वरना केजरीवाल जी रूठ जाएंगे कि भाई निजी आरोप करते हैं। मगर भाइयों बहनों मुझे बताओ, मुख्यमंत्री आवास में किसी राज्यसभा सांसद महिला का पिटाई हो, वो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी झूठ के बुनियाद पर खड़ी है और वैसे मैं कहता कि ये ड्रामेबाज पार्टी है, पर मैं आप शब्द इस्तेमाल करता हूँ, ये नौटंकी पार्टी है। इनको मुद्दों से भटकाने का की चैंपियनशिप है। ये मुद्दों पर जवाब नहीं देते हैं। आपको इतने दिन क्यों लग गए? आपके घर में महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, आप चुप रहे? आप अखिलेश के सामने माइक इधर से उधर खिसकाते रहे? ये आपका जमीर बोलता है, ये आपकी सोच बोलती है, ये आपका दोहरा चरित्र बोलता है, ये आपका दोहरा चरित्र बोलता है और वो स्पष्ट जनता ने देखा है। आप बेनकाब हो चुके हैं। वो फिर से एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में ही हमने देखा किस तरह से स्वाति मालीवाल जी को मोहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया, किस तरह से उनका इरादा था कि अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लगेंगे। हमारा मानना है कि स्वाति मालीवाल जी पर उनके एसीबी के केस को लेकर दबाव बनाया गया और उनको इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया, लेकिन वो षड्यंत्र भी कामयाब नहीं हुआ क्योंकि जो वीडियो सीएम आवास से निकले उससे पूरे देश ने देख लिया कि जो शिकायत स्वाति मालीवाल जी कर रही थी वो सरासर झूठ है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आम आदमी पार्टी की नेता, आम आदमी पार्टी के मुखिया के घर पर ये सब हुआ, लेकिन आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर और ये कहा जा रहा है कि ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियों का डर स्वाति मालीवाल को लगाया गया, उसके बाद उन्होंने ये किया है। बीजेपी क्या इस अपना स्टैंड रख रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि स्वाति मालीवाल जो उन्हीं की पार्टी की नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरमैन रही हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है सीएम आवास में और उनके साथ मारपीट करने वाले जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके पीए हैं और ये आरोप किसी और ने नहीं लगाए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इस तरीके के जो आरोप लगाए गए वो आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखर है और उनको लगता है कि जिन इश्यूज को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना आंदोलन शुरू किया था, उसके बाद दिल्ली में सरकार बनाई, वो सारी चीजें जो हैं वो पीछे छूटती जा रही हैं एक के बाद एक। आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं उनसे त्रस्त होकर, उनसे नाराज होकर जो हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं और लगातार आरोप जो हैं अरविंद केजरीवाल पे लगते हैं, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो या कुमार विश्वास हो, तमाम वो लोग, सभी लोग अरविंद केजरीवाल पर जो है सवाल खड़े करते हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि अगर इस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर
दबाव जो है वो ये है कि वो इस पूरे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींचना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस पूरे मुद्दे को जो है अरविंद केजरीवाल पे घेरा जाए कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले। जी ठीक है, माशू नजर बनाए रखिए।